नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर सरकार में पहले ही उथल पुथल की स्थिति निर्मित है। कांग्रेस के महापौर और बीजेपी के परिषद के बीच चल रही खींचतान के बीच अब नगर निगम आयुक्त के अड़ियर रवैये से दोनों ही तबका हैरान और परेशान है। नगर निगम में कब क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, यह नगर की सरकार तय करती है, लेकिन क्या काम कब होगा यह नगर निगम आयुक्त ही निश्चित कर रहे हैं, जिसे लेकर कार्यालय में धरना दे दिया गया है। धरने पर बैठे भाजपा पार्षद स्वतंत्र शर्मा के साथ निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह बघेल सहित अन्य लोग शामिल हुए हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम आयुक्त केवल एक व्यक्ति की सुनते हैं, नगर सरकार उनके लिए जैसे शून्य हो चुकी है। ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जनता द्वारा चुना गया हूं और जनता की समस्याओं को निवारण हेतु यहां मैडम से आग्रह करने आया हूं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, केवल अपनी व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड का काम जब पटरी पर आया, तब उन्होंने हमारे जोन के सभी कर्मचारी अधिकारियों को दूसरे जोन में कर दिया। क्या विकास करने का ये नया तरीका है, केवल लोगों को परिवर्तन कर देना, इससे विकास होगा? आप मूल्यांकन करिए, आप जमीनी स्तर में आइए, आप बुनियादी स्तर तक पहुंचिए ना, कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे समस्याओं के कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये परिवर्तन कर देना कोई इश्यू नहीं। भाजपा में होते हुए भी आप परेशान ही हैं? नहीं, भाजपा में परेशान नहीं हूँ। ये आके मैडम, मैंने आपसे पहले कह दिया मैडम, सबकी सुनना चाहिए, वो स्वतंत्र अधिकारी होना चाहिए, निष्पक्ष, उनको पार्षदों की जन प्रतिनिधियों की सुनने के लिए ही वो आईएएस है। वो उनका कोई अलग से कोई 100 एकड़ का खेत नहीं है, उसकी वो तनख्वाह खाती है। जनप्रतिनिधि उतना ही दायित्वान है जितना दायित्वान एक जनप्रतिनिधि है, उतना ही जनसेवक है। उन्होंने संविधान में ये पढ़ा होगा कि जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए ही वो चुनी गई। वार्ड पार्षदों ने बताया कि वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम आयुक्त मनमाना तौर पर लोगों का परिवर्तन कर देती हैं। इस कारण नया आदमी वार्ड की भौगोलिक स्थिति नहीं समझ पाता और विकास कार्यों में बाधा आ रही है। निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह बघेल ने कहा कि जब अपनी समस्याओं को लेकर आयुक्त से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो चीज उन्हें आवश्यक लगती है उन्होंने कर दी है और उसको बदलाव करने का कोई कारण नहीं बता रही है। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद और महापौर ने पहले ही निगम आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उसके बाद अब सत्ता दल और निर्दलीय पार्षद ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसका मतलब साफ है, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह एक व्यक्ति कौन है जिसकी बातें निगम आयुक्त के लिए सिर्फ मान्य है, या फिर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनकी नजरों में किसी काम के नहीं है। मैडम, आप यहाँ अभी बैठे, क्या समस्या है, क्या आ रही है? समस्या वही, अपने अधिकार को लेके मैं बैठी हूँ और सरपंच भैया के साथ में हूँ, क्योंकि वो भी अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, मैं भी अपने, और जनता के हितार्थ जो काम है मेन उसके लिए बैठे हैं, कि जो अपने वार्ड के कर्मचारियों को स्थानांतरण किया गया है, कमिश्नर मैडम ने किया है, उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे साथ मिलजुल के काम करता है, कुछ दिन रहता है, वो हम लोग को अच्छी तरह से जान जाता है, और अपनी कार्य प्रणाली को भी, जो अपने क्षेत्र में कार्य हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ जाता है। तो मैडम ने उनको स्थान परिवर्तन कर दिया। स्थान परिवर्तन का कारण क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कल हम उनसे बात किए तो बोले कि मैडम मैं इसमें कोई एक्शन लेने के लिए नहीं हूँ और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, आप मेरी बात, मतलब कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तो हम बोले कि क्यों नहीं सुनेंगे, हमको विकास चाहिए तो विकास नगर निगम का ही होगा, नगर निगम के अंदर जो भी वार्ड आते हैं तो नगर निगम का विकास है। तो जब विकास के लिए आप किसी व्यक्ति को, भाई नए व्यक्ति को जानने में उसको समय लगेगा, तब तक आप फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे जब जानेगा। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि आप हमारे जो वार्ड में हमारे अधिकारी थे श्याम सुंदर जी, उनको हमारे ही वार्ड में रखा जाए, अन्यंत्र नहीं किया जाए,
बस यही हमारी मांगे है, अपने अधिकार के लिए मांगे हैं। और कमिश्नर मैडम, एक कई लोग शिकायत करते हैं, दोनों करता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी मनमानी करती है, ऐसा क्यों चल रहा है? अब ये मैडम ही जाने उनकी मनसा को, मैं क्या जान सकती हूँ कि वो मनमानी करती हैं, किसी के कहने पे चलती हैं, या शिकायत तो हर कोई करता है और करेगा ही, क्योंकि कमिश्नर मैडम है, कमिश्नर बन के आई है, आईएएस कमिश्नर है, ऐसे तो कमिश्नर प्रभार वाली कमिश्नर तो है नहीं। उन्होंने जब ने उसमें पढ़ा होगा, जो क्या बोलते हैं एक्ट है, धाराएं हैं, उसमें पढ़ा होगा कि उनको क्या दायित्व है, पर वो दायित्व के अनुसार अपने कमिश्नर पद का अच्छा दुरुपयोग कर रही है, मतलब अच्छा काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो अपनी फैसला लेने में वो झुक जाती है और अच्छा निर्णय नहीं ले रही है हम लोग पार्षदों के अनुसार, और पार्षदों की मनसा के अनुसार कभी पार्षदों की सहमति नहीं ली गई। भाई अगर सुनती होंगी तभी तो ये ऐसे फैसले ले रही हैं, क्यों नहीं सुनती होंगी? सुनती हैं, हम तो कहते हैं कि सुनती हैं, किसी एक व्यक्ति की सुनती है, मुझे नहीं पता कि अब किसकी सुनती है, एक की दो की, पर ऐसे फैसले लेने की जरूरत अभी नहीं थी, यहाँ पे स्थान परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, जैसा उन्होंने किया क्यों किया कोई तो रीजन होगा, पर मेरे से सीधे बोल दे कि मैं नहीं करूं, क्यों नहीं करेंगी? भाई आप जनता की सहमति से, जन जो पार्षद होते हैं उनकी सहमति ली जाती है, वो भी धाराओं में आप पढ़ लेंगे पार्षद की सहमति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बिना पार्षद की सहमति से आप स्थान परिवर्तन कर दी, तो ये गलत बात है। हम उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जो भी हमारे वार्ड में स्थान परिवर्तन हुआ उसको पुनः लौटाया जाए और हमारे वार्ड को दिया जाए, क्योंकि हमारे विकास में रुकावट आ रही है, और ये नए जो हैं तो ये ना हमें समझेंगे ना हम उनको समझेंगे।